स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप केमिकल कनैटिक चैप्टर डिस्कस करांगे यूनीमैक्स की बुक तो जिहड़ा बेसिक ही है पता होना चाहिए। ठीक है, जिवें आपां नूं फॉर्मूले पता होने चाहिए, जीरो ऑर्डर लई किहड़े फॉर्मूले आ, फस्ट ऑर्डर लई किहड़े आ, सैकेंड ऑर्डर लई किहड़े आ, इन्हां दे यूनिट्स किहड़े हुंदे आ, मोलिकुलैरिटी की हुंदी आ। ठीक है, तो मोस्टली हाफ लाइफ की हुंदा आ, तो इन्हां ते ही बेसिस ते क्वेश्चन आउंदे ने। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिते हैं, हाउ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट किदा लिखीदा है। जिहड़ा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट हुंदा है ओह जिहड़ा आपां हमेशा माइनस साइन पाउंदे आ फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्लस साइन हुंदा हमेशा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लई। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट कॉन्सटेंट फॉर जीरो, ए नॉट इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन और ए इज़ द लेफ्ट कंसनट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज़ ए नॉट डिवाइड बाय टू के, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसनट्रेशन। तो रेट कॉन्सटेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 डिवाइड बाय टी, हेयर ए इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन और एक्स इज़ द कंज्यूम्ड जिहड़ा प्रोडक्ट बन चुका। तो ए माइनस एक्स नूं आपां ए भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द लैफ्ट कंसनट्रेशन। फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने को दिता हुआ हाफ लाइफ 0.693 डिवाइड बाय के। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन, रेट एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन ऑलवेज एक्टिव मास, बिकॉज वी नो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जिन्ना रिएक्टेंट होएगा उसके अपना रेट डिपेंड करेगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज जिहड़ा डिक्रीज़ करेगा जिद्दां जिद्दां रिएक्शन प्रोसीड हुंदी जाएगी, बिकॉज वी नो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ही अपने को कंज्यूम हो जाती पी है, तो विद टाइम जिहड़ा रेट आ वो डिक्रीज़ हुंदा जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हैज़ अ एक्सप्रैशन, तो इहदा आपां ने रेट फाइंड करना। ठीक है, तो इहदा पावर जिहड़ी है स्टाइकोमैट्रिक कोफिशेंट हाफ हाफ प्लस इहदा स्टाइकोमैट्रिक 3+2, so that is 4/2, so answer is 2. Similarly calculate the overall rate, so 3/2 - 1, so 3 - 1/2, that is 2/2, so 1. For the following 0.5, so 0. the answer jada 4 tha, fourth answer apne ko aana hai, so 3 ticket by 2 माइनस वन, तो 3/2, 3 - 1, हाँ जी सॉरी प्लस आएगा। ठीक है, नहीं माइनस ही है, हाँ जी माइनस आ, तो यह इतने अपने को 3 - 1। ठीक है, तो 3 - 1 इज 2। ओके, 3 - 2/2, दैट इज़, तो उन्होंने जो आप सॉल्व करांगे हाफ आएगा। ठीक है जी, तो हाफ। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ के लिए होने आप फाइंड करके हटे 3/2 - 1, तो आ 0 आ, माइनस 1, तो 3, 2, 2 हाफ। फॉर अ रिएक्शन अपने की लिखना है जिहड़ा आ रिएक्शन विद रिस्पैक्ट टू अमोनिया, तो इतने अमोनिया फॉर्म हो रहा, किन्ने मोल्स फॉर्म हो रहा, 2, तो जिहड़ी उहदी मोल्स होंदे उह अगे आ जांदे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशेंट फॉर्म हो रहा, इस करके प्लस साइन, तो डी उहदा रेट NH3DT। ठीक है जी, तो ऑप्शन इज प्लस हाफ। हेयर DX/DT इज इंस्टेंटेनियस रेट, तो अपने को विच इज़ दी रिएक्शन ऑर्डर फॉर रेट कॉन्सटेंट, तो जिहड़े यूनिट्स होंदे आ, दीस यूनिट्स आर फॉर सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फस्ट ऑर्डर दे जिहड़े अपने को यूनिट्स होंदे, दैट इज़ फस्ट ऑर्डर दे अपने को जिहड़े यूनिट्स होंदे आ, दैट इज़ पर सैकेंड, और जीरो दे अपने को मोल पर लीटर पर सैकेंड, और जिहड़े अपने को सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ उहदे लीटर पर मोल पर सैकेंड होंदे आ, तो इहदे ऑप्शन आएगा सैकेंड ऑर्डर। इत्थे पर सैकेंड आ, तो फस्ट ऑर्डर, तो अपने को दिता हुआ हाफ प्लस 3/2, तो इत्थे जिहड़ा आ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 1, सॉरी
इत्थे आएगा टू, तो टू ले जिहड़े यूनिट होंदे आ दैट इज़ गिवन है लीटर पर मोल पर सैकेंड। तो लीटर पर मोल पर सैकेंड इज दिस, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर दे इज मोल पर लीटर पर सैकेंड, फर्स्ट दे पर सैकेंड, सैकेंड ऑर्डर ले मोल लीटर पर मोल पर लीटर पर सैकेंड इज फॉर सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होंगे, तो ऑप्शन इज बी। अगर अपने को मोलिकुलैरिटी दो आ तो रिएक्शन बाई मोलिक्यूलर होएगी, दो मोलिक्यूल्स आ तो ये एक ही मोलिक्यूल है, एक क्लोरीन है, तो दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर। तो रिएक्शन ले ऑर्डर ओ एंड मोलिकुलैरिटी, तो इतने अपने को टू आ। ठीक है, तो अमोनिया के किन्ने मोलिक्यूल रिएक्ट करते पे ने, टू रिएक्ट करते पे ने। ठीक है, तो एक ही रिएक्टेंट आ, एक ही रिएक्टेंट आ, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर और बाई मोलिकुलर। तो मोलिकुलैरिटी ऑलवेज जिहड़ा आ होल नंबर हुंदा, इहदे ते अपने को एक ही मोलिकुलैरिटी आएगी। तो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ, एक एक्सेस च हुंदा, अगर एक एक्सेस च हुंदा तो उहनू आपां सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो इत्थे रेट फाइंड करना थ्री बाय टू प्लस वन, क्योंकि पावर, तो थ्री प्लस टू डिवाइड बाय टू दैट इज़ फाइव बाय टू। तो फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन मोलिकुलैरिटी अपने को इत्थे एक आया, तीन दो आया, तो वन प्लस टू इज थ्री। तो विच इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज़ द स्लोएस्ट, तो यदा रेट जोड़ा होएगा ए दी कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा और बी दी, क्योंकि स्लो स्टैप्स जोड़े रिएक्टेंट इनवॉल्व होंगे उन्होंने कंसनट्रेशन से ही रेट डिपेंड करता। तो नैगेटिव साइन जिहड़ा वो इंडीकेट करता पाया कि जिहड़ी कंसनट्रेशन आ रिएक्टेंट दी वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम। रेट कॉन्सटेंट ऑफ 2.5 पर मिनट, तो पर मिनट इज द यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज फर्स्ट पर सेकेंड। अगर अपने को रेट कॉन्सटेंट ऑफ रिएक्शन है सेम डिमेंशन एज रेट ऑफ रिएक्शन, जिमें अपने कहने रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन टू द पावर फॉर जीरो ऑर्डर। तो जो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो के इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ए नॉट, तो अगर इन आप यूनिटी पुट कर दिए तो जीरो ऑर्डर आएगा। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट जिहड़ा है अपने को इंडिपेंडेंट हुंदा है, जीरो ऑर्डर च कंसनट्रेशन ते नहीं डिपेंड करता, क्योंकि आप जीरो ऑर्डर ले रहे हैं तो कंसनट्रेशन ते डिपेंड ही नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ रेट कॉन्सटेंट फॉर सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वैल्यू जिहड़ी हुंदी है कि वो एक्सेस वाले ते जिहड़ी आ ज़्यादा डिपेंड करती है, रेट जिहड़ा है वो डिपेंड करता जिहड़ा लो अमाउंट आ। फॉर हाफ जीरो लाइफ ले दैट इज डिवाइड बाय टू के दैट इज हाफ, आर नॉट इज इनिशियल कंसनट्रेशन, तो के इज द रेट कॉन्सटेंट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइड बाय के, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट, तो इतने अपने को आया 0.693 डिवाइड बाय के, तो कोई भी कंसनट्रेशन टर्म नहीं है, दैट्स वाई इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन। अगर हमेशा आप 10 डिग्री सैलसीयस राइज करते हैं तो विद 10 डिग्री राइज तो अपने को रेट जोड़ा है वो टू टाइम्स इनक्रीज हो जाता। ई ए एंड ए आर ये अपने को एक्टिवेशन एनर्जी होंगे, तो इन्हों आप एक्टिवेशन पैरा अरहेनियस पैरामीटर कहते हैं। तो फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन लिए कंडीशन होंगे, एक तो जी आपू एनर्जी होनी चाहिए है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए है, तो थर्ड कंडीशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की है, मतलब अगर जिस डायरेक्शन से कोलिजन होनी है उस डायरेक्शन से मोलीक्यूल ना मूव कर, पोजिशन ही ना ऑक्यूपाई कर, मतलब ये लॉक एंड की आप फाइंड करते कि इस पोजिशन से ही ना हो तो कोलाइड नहीं कर सकते, दैट्स वाई थ्रैशहोल्ड एनर्जी एंड प्रोपर ओरिएंटेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज विद इनक्रीज इन टेंपरेचर, बिकॉज उत्थे अपने को नंबर ऑफ कोलिजन जिहड़ियां आ जिहड़े मोलीक्यूल्स हुंदे आ उहनां दी थ्रैशहोल्ड एनर्जी इनक्रीज हो जाती है, जिहदे करके अपने को कोलिजन ज़्यादा हुंदे आ। टी इत्थे एब्सोल्यूट टेंपरेचर, आरहीनियस इक्वेशन हुंदी है, के ए इज इक्वल टू ई एक्सपोनेशन माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, तो हेयर ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कॉन्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इनक्रीज बाय, अगर आप इनक्रीज करते हैं वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, सॉरी ये अकॉर्डिंग टू आरहीनियस इक्वेशन ले आया, तो दैट इज़ रेट जिहड़ा के इज़ इक्वल टू
दिस अगर अपने को टेंपरेचर इनक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू जड़ी ई बाय ए आर टी दी वैल्यू जड़ी आ वो डिक्रीज करेगी और ई सारी वैल्यू जड़ी आ वो इनक्रीज करेगी जिदे करके अपने को ओवरऑल रेट जड़ा आ वो इनक्रीज करेगा। नेक्स्ट मिनिमम अमाउंट दैट रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू टेक प्लेस दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। टेंपरेचर कोफिशेंट इज़ रेट जिहड़ा अपने को टेंपरेचर कोफिशेंट हुंदा है तो टेंपरेचर कोफिशेंट डिफर हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस बाय डिफर करेगा विद द इनक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीजेस टू टाइम्स। एक्टिवेशन ऑफ केमिकल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय अगर आप जड़ी है रेट कॉन्सटेंट एट टू टेंपरेचर्स से फाइंड कर सकते हैं। हाई ऑर्डर रिएक्शन अपने को लो पॉसिबिलिटी होंगी है साइमन कोलिजन की। मोलिकुलरिटी जी अपने को होंगी है मोलिकुलरिटी आप जी फाइंड करते हैं जी टोटल नंबर दैट आर पार्ट इन एलीमेंटरी जिहड़े एलीमेंटरी रिएक्शन एलीमेंटरी रिएक्शन होंगे सिंगल स्टैप रिएक्शन। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी फॉर सेम होंगे एलीमेंटरी रिएक्शन कंपलैक्स रिएक्शन नहीं जिसे अपने को किन्ने ही सारे स्टैप्स होंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटर रेट लॉ इज दिस तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी तो अगर आप लें कि अगर आप यूनिटी कंसिडर कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू द रेट कॉन्सटेंट। ठीक है जी। कैटालिस्ट इनक्रीजिज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को पहला ट्रांजिशन स्टेट बनानी पैंती है ट्रांजिशन स्टेट लई आह इन्ना गैप कवर करना पैंता तो दिस गैप इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जिन्ना यह घट होगा उन्ना जल्दी इंटरमीडिएट आएगा इंटरमीडिएट जिनी जल्दी आएगा उन्नी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर अपने को इक्विलिब्रियम ते कैटालिस्ट ऐड किया जाता है तो वह जड़ा आ जदों आप ऐड करते हैं वैन अ कैटालिस्ट इज एड टू अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन जी अल्टरनेटिव पाथवे फॉलो करेगी टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिक्रीज हमेशा नैगेटिव कैटालिस्ट करेंगे तो ये जीरो ऑर्डर आ तो जीरो ऑर्डर मतलब ना यदी कंसनट्रेशन इज जीरो यदी कंसनट्रेशन जीरो। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होंगे दैट इज इक्वल टू रेट कॉन्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हेयर रिएक्शन दिती हुई है तो जो एसीटेट आ दैट इज चेंजिंग इन टू कारबोक्सिलिक एसिड तो यह सूडो फर्स्ट ऑर्डर आ बिकॉज रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली दिस दीज आर प्रेजेंट इन एक्सैस। तो यदा फाइंड करना हाफ प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर तो जो इन सॉल्व करूँगे 12 आएगा एलसीएम तो ऐड करके 13 टू डिवाइड बाय सिक्स इज 12 इज सिक्स थ्री डिवाइड बाय फोर तो 3। ठीक है जी। तो जो तुम सॉल्व करोगे तो आंसर इन्ना आएगा। नाउ हेयर रिएक्शन का रेट इन्ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मोलीक्यूल 2 मोल्स ऑफ सल्फ एसओ 3 दे रहे हैं तो यदी किन्नी आ 2.5 जो भी यदी पावर दिती हुई है। ठीक है तो इनू 2 नू इधर मल्टीप्लाई कर दो 2.5 इंटू 2 ठीक है इंटू 10⁻⁴ तो दैट इज द वैल्यू इज 5। केमिकल रिएक्शन दिती हुई है अपने को कंसनट्रेशन अगर 4 टाइम इनक्रीज हो रही है तो विद इनक्रीज इन 4 टाइम ठीक है जी तो अपने को जिहड़ी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ होएगा। मैं एक्सप्लेन कर दी हाँ किदा हाफ होएगा। सो ये विच की है अपने को अप वो कह रहे हैं कि जिहड़ा अपने को रेट ऑफ रिएक्शन है डबल करता तो फस्ट इक्वेशन जो मैं लिखा रेट इज इक्वल टू दिस नॉर्मल सैकेंड च डबल करता और जिहड़ा रेट कॉन्सटेंट वो 4 टाइम इनक्रीज हो गया। ठीक है तो सैकेंड नू डिवाइड किया 1 ना तो 1/2 तो 1/ इहदी वैल्यू आ गई मेरे को 4 बाकी जिहड़ा आ चीज़ कैंसल हो गई सारिया तो 1/ दिस और इहदी पावर हैगी अपने को एक्स। नाउ 1/4 नू मैं लिख सकती हूँ 1/2 2x। ठीक है तो 2x की पावर इतने अपने को अगर आप 2x कंसिडर कर रहे हैं तो इतने 1 होएगी। ठीक है ताइयों अपने को जो 4 आया तो अगर आप 2x एक्स की कितनी वैल्यू होएगी 2 इधर चल जाएगा तो हाफ दैट्स वाई आंसर इज हाफ। तो हाफ लाइफ हैविंग रेट कॉन्सटेंट 1.7 ठीक है जी रेट कॉन्सटेंट 1.7 दिता हुआ तो फाइंड अपने की करना है जिहड़ा आर च पर सैकेंड चता है तो इनू आर च कन्वर्ट करना करना पैना तो 0.693 डिवाइड बाय के 1.7 इंटू 10⁻²। ठीक है तो यह सैकेंड च आ जाएगा तो 1 आर च 3600
सेकेंड सुनते हैं, तो ना इनू आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आर च 11.3। तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हीट ना कोई लेना देना नहीं होंगे कैटालिस्ट का, तो जी है अपने को रिमेन्स अनचेंज्ड। रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है टेल अस अबाउट कि रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है और कितनी जी रिएक्शन है वो फास्ट होंगी है। ठीक है, इन हैबर प्रोसैस जरा अपने को मोलिबिडनम एंड आयरन जरा एज आ कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, नैक्सट अपने को टू स्टैप रिएक्शन हुई, अगर अपने को स्लो स्टैप इज दिस तो रेट जरा डिपेंड करेगा दैट इज़ एनओ टू वो जिनी पावर आ दैट इज़ टू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू। ठीक है जी, तो इस करैक्ट जरा दैट इज डी। अपने को 63 क्वेश्चन दिता हुआ कि के दिता हुआ और ए दिता हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो के इंटू 0.75 जो तुम सॉल्व करूँगे के 0.7 और गिवन है अपन 0.75 इज़ द कंसंट्रेशन और के इज़ द कॉन्सटेंट, तो रेट इज़ इक्वल टू के ए, तो इन्हों सॉल्व कर सकते हो तुसी। नैक्सट हाइड्रोलिसिस, ये भी अपने को जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाने वाटर एक्सेस च लिया जाता तो सिर्फ यदि कंसनट्रेशन पर ही डिपेंड करता, तो आंसर इज इस। सिमिलरली इन इनवर्ट केन शुगर, तो जो एक्सेस च लिया जाता वाटर तो दैट्स वाई वो सिर्फ यदि कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर अपने को आर फॉलो इफ कनैटिक एनर्जी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ राइज फोर टाइम, अगर फोर टाइम आप इनक्रीज करते पे हाँ तो जोड़ा आ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉरी प्रोडक्ट आ प्रोडक्ट अपने को जोड़ा आ 16 इनक्रीज होएगी वो कंसनट्रेशन। 16 क्यों इनक्रीज होएगी, तो वी नो कि अगर आपने रेट आ रेट न किन्ने टाइम सैकेंड ऑर्डर आ, ठीक है सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ, तो उन्होंने फोर टाइम अगर आपने इनक्रीज किया तो मतलब जोड़ा प्रोडक्ट आ दैट इज़ फोर। ठीक है, तो फोर इंटू फोर इज 16। ठीक है, नैक्सट फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर की एग्जाम्पल ये लोड नहीं रहन दो, टू एच टू ओ इज गिवन प्लस टू एन ओ टू, तो इतने अपने को जोड़ा आ दो मोलीक्यूल से दे ने। ठीक है, और एनओ का जोड़े आ वह दो मोलीक्यूल आ, तो इनू आप जोड़ा यूनिट्स हो गए, तो एच टू ओ इतने रोंग दिता है, वैसे दोनों साइड एच टू ओ नहीं होना, रिएक्शन गलत दिखी हुई है, तो एक साइड एच टू आएगा कला। ठीक है, एक साइड एच टू आएगा, तो जो इन आप सॉल्व करांगे तो अपने को जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, किमें आह नहीं है होएगा इतने एच टू प्लस टू एन ओ। ठीक है, तो ये दो आदा एक आ, वन प्लस टू इज थ्री, तो थ्री थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स होंगे दिस वन। रिएक्शन रेट कॉन्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी जिहड़ा रेट कॉन्सटेंट है, रेट कॉन्सटेंट अपने को डिपेंड करता है टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय दी वैसे किहड़ा मकैनिज्म होएगा एज वेल एज किन्नी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आ। डिमेंशन अगर टू एन आ तो टू एन जिहड़ा अपने को इहदे केस च कंसनट्रेशन, अगर ऑर्डर सैकेंड ऑर्डर आ तो सैकेंड ऑर्डर दे केस च अपने को कंसनट्रेशन एंड टाइम पर ही दोनों चीज डिपेंड करता है रेट कॉन्सटेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट टू द हाईएस्ट बेरियर इन ट्रांजिशन एनर्जी, तो जिहड़ा आप चेक करते हैं कि मतलब बेरी ट्रांज आ प्रोडक्ट रिएक्टेंट आ ट्रांजिशन स्टेट आ, तो आ जिहड़ा बैरियर आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देने ऑन इनक्रीजिंग टैंपरेचर, अगर टैंपरेचर 10 राइज हो रहा तो मतलब किन्ने टाइम ऑलमोस्ट डबल, अगर आप डबल करांगे 10 राइज करन ते अपने को जिहड़ी रिएक्शन 2 इनक्रीज हुंदी आ, तो अगर आप सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज इन जिहड़ी उहदी अपने को इनक्रीज करेगा उहदी फ्रीकुएंसी। ठीक है जी, अगर आप इनक्रीज करते हैं बाय 10°C, तो 10 इत्थे जिहड़ा क्वेश्चन एक मिनट जिहड़ा अपने को क्वेश्चन हाँ जी, तो जिहड़ा आप विद सॉरी अगर आप टेंपरेचर इनक्रीज करते हैं
तो टेंपरेचर इनक्रीज़ करन ना अपने को जड़ी है उदी थ्रेशोल्ड एनर्जी जड़ी है वो इनक्रीज़ होंगी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो आ स्लो सॉरी स्लो ते डिपेंड करता रेट ऑफ रिएक्शन, तो ओजोन भी एक है और ओ थ्री भी वन ही है, तो इतने सॉरी ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन तो आ वाला आऊगा इतने आ गलत दिता हो। आरहीनियस इक्वेशन शो दी वेरिएशंस, आरहीनियस इक्वेशन च अपने को जिहड़ा आ वेरिएशंस होंदी है वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी रेट विद टेंपरेचर, तो बी आर फाइव है बी आर फाइव कंज्यूम हो रहा है, तो अगर कंज्यूम हो रहा है तो माइनस दा साइन, तो बी आर माइनस दी कंसनट्रेशन जिहड़ा आ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशेंट अगे आ जांदा पावर। नैक्सट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नैक्सट वन कैमिकल रिएक्शन आ, तो अपने को के वन अगर आप के वन हैगा आ तो इनू आप फोर टाइम इनक्रीज करते हैं, तो फोर का जड़ा हुंदा आप लिख सकते हैं उनू कि जड़ा हुण फोर टाइम इनक्रीज करती ठीक है, तो जड़ा हुण के टू होएगा के टू के इक्वल होएगा वन बाय फोर, तो वन बाय फोर इज 0.25 ऑफ के। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इनक्रीज़ करेंगे तो मतलब 10 डिग्री तो 5, तो 5 टाइम इनक्रीज होया तो 2n, तो 2 नू आप 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इज दी आंसर। 1 बाय ए इज ऑलवेज इन जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंदा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिवें इंस्टेंटेनियस रेट दिता होया थानू ठीक है, इंस्टेंटेनियस कि 0.3 इनिशियल 0.2 तक रह गया ठीक है, तो 0.2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे आए तो है नहीं गए इदा दे क्वेश्चन ऑर्डर ते ही आते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन तो हाफ प्लस टू जिहड़ा ऑर्डर दिता है, तो यदा ऐड करके आप फाइंड कर सकते हैं 2.5 आ। हाँ क्वेश्चन आया सीगा कि अपने को इदा गिवन है एन एच थ्री का पता करना एच टू का, तो जिहड़ा 2 मोल्स ऑफ एन एच थ्री ठीक है आपां दे रहे आ ठीक है, इदा मतलब 3 मोल्स ऑफ कंज्यूम हो रहे हैं ठीक है, इदी वैल्यू अपन पता है अपन आ चाहिए है, तो 3 नू इधर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो नैक्सट जिहड़ा कि किन्ने टाइम इनक्रीज़ कर दो, जिवें एक्स वाई है सैकेंड ऑर्डर आ ठीक है, तो रेट अगर मतलब 2 होएगा ऑर्डर ठीक है, तो अगर 2 होएगा मतलब अपन ने हुण कंसनट्रेशन जिहड़ी है वो 3 टाइम्स इनक्रीज़ करती, तो कंसनट्रेशन होगी 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 ठीक है, तो यही आ गया स्केयर, तो रेट 1 जिहड़ा आ दैट इज इक्वल टू रेट 2, तो 1/9, तो यदि वैल्यू 9 आ रही है दैट्स वाई 9 टाइम्स। तो अपने को जिहड़ी जीरो ऑर्डर रिएक्शन उहदी आपां नूं दित्ता होया रेट कॉन्सटेंट के दित्ता होया 0.03, तो इनिशियल कंसनट्रेशन जिहड़ी चेंज हो रही है 0.110 टू 0.075, मतलब 0.75 लैफ्ट हो रही है इनिशियल 0.110 सी। तो फर्स्ट ऑर्डर च अपने को के दिता हुआ हाफ लाइफ पता करना, तो डायरैक्ट फॉर्मूला लगाओ जिहड़े मेन हैगे आ इदां दे हुंदे हुंदे कि 40% पहला 40 मिनट देते 30% कंप्लीशन लई, तो मतलब आपां नूं हुण हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, तो उहदे लई के चाहिदा, के किद्दां पता करेंगे 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग इनिशियल किन्नी हुंदी आ 100, किन्ने परसेंट कंज्यूम हो गई है 30%, तो 100 माइनस 30 70, तो 100 डिवाइड बाय 70 लॉग ठीक है 2.303 नू डिवाइड करांगे अपन किन्ने मिनट्स आ 40 मिनट्स, तो इधर तो अपने को लेट के दी वैल्यू कोई भी आ गई एक्स मान लो ठीक है, के दी वैल्यू एक्स आ गई, तो इतने दिती होनी वैसे के दी वैल्यू आ गई नहीं, तो फॉर्मूला लगाओ हाफ लाइफ का तो सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन दिता होगा अगर हाफ लाइफ नहीं दिता, हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं जिमें उ दे देंगे कि अपन 30% लिए 20 मिनट्स लगे, 75% लिए किन्ने मिनट्स लगनगे, तो तुम 30% लिए टाइम वो कड़ ली वैल्यू के दी 8.9, तो फिर आई वाला फॉर्मूला लगा दो इतने हूँ जोड़ा आप टाइम पता करना है के अपन पता लग गया लॉग कि 100% टोटल सी 75 लिए पता करना, तो 100 इनिशियल बच जी अपने को कंज्यूम हो चुकी है 75, तो बचूगी कि 25, तो इदा लॉग की वैल्यू सॉल्व करके तुसी आंसर कर सकते हो। जे मैं इतने 99 लिया टोटल 100, तो 99% कंप्लीशन लिए मतलब कंज्यूम होना बचूगा उन्ना ठीक है, इन सॉल्व कर लियो।
तो आह जिहड़े दिते हुए एक्टिवेशन एनर्जी ते न्यूमेरिकल दिते हुए ने तो हाफ लाइफ ते तो ये इंपॉर्टेंट ने न्यूमेरिकल, ठीक है जी। सेम ही जे ने सारे, ज़्यादातर तो यही होंगे कि के पता करो, रेट पता करो, जिमें इतने 60% 60 मिनट हो पहला के पता कर लो, 100 टोटल सिगा तो 100 एक्सेस दी कंज्यूम, कंज्यूम किन्नी है 60%, ठीक है, तो बची 40, तो इतों के निकल गया, के अगर निकल गया तो टी हाफ पता कर लो, ठीक है, तो आंसर सत्ते हुए ने मैच कर लियो। वैसे एक दो सिगे जड़े गलत सिगे, बाकी तो ऑलमोस्ट सही सिगे, तो मैं चेक करके ही सारे टिक लगाए आंसर दे। तो ये अपना जड़ा आ कैमिकल कनेटिक्स ख़त्म हो गया, तो कल आपां जिहड़ा स्टार्ट करांगे सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल, कीप स्पॉटिंग।